नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय गौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम अलंकार के बारे में जानने वाले हैं और इसका मैं आपको संक्षिप्त वर्णन देने वाला हूं। वैसे किताब के अंदर मैंने सब कुछ समझा दिया है। अलंकार का मतलब है गहना, किसी चीज को अलंकृत करना, उसकी शोभा को बढ़ाना। तो जैसे खाली आसमान में रात को चंद्रमा जब आता है पूर्णिमा का, तो पूर्व उसकी शोभा बढ़ा देता है ना। वैसे ही खाली कागज पर चित्रकार जो है रंग भर के उस खाली कागज की शोभा को बढ़ा देता है। तो ये खाली वायुमंडल में कलाकार अपनी रचना से, संरचना से, अपनी कल्पना शक्ति से जब रंग भरता है और स्वरों के समूह को बनाता है, तो उसको अलंकार कहते हैं। तो अलंकार की कई कई कैटेगरीज होती हैं। एक मतलब क्रम, एक ऑर्डर में चलता है ये। अब कैटेगरीज बहुत सारी बन सकती हैं। 7 स्वर हैं हमारे पास, सारे गम प ध नि, तो इसको हम अलग अलग इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे एक बहुत फेमस कैटेगरी है, बहुत बेसिक कैटेगरी है, वो है कि हम स्वरों को 2 बार रिपीट करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे, रिपीटेशंस वाले अलंकार। जैसे कि सा सा रे रे ग ग मा मा, या फिर सा 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 रे 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 ग ग ग मा मा मा, 4 बार भी रिपीट कर सकते हो। तो इसका डेमो अभी आपको हर्ष दे के बताएंगे। सा सा रे रे ग ग मा मा, प प ध ध नि नि सा सा, सा सा नि नि ध ध प प, म म ग ग रे रे सा सा, सा सा रे रे ग ग म म, प प ध ध नि नि सा सा, सा सा नि नि ध ध प प, म म ग ग रे रे सा सा, सा सा रे रे ग ग म म, प प ध ध नि नि सा सा, सा सा नि नि ध ध प प, म म ग ग रे रे सा सा। जो दूसरी कैटेगरी है वो हम ले सकते हैं कि हम स्वरों को जो है स्किप करेंगे, लांग देंगे, जंप करेंगे। जैसे सा से ग पे चले गए, रे को छोड़ दिया, फिर रे से कहाँ चले गए, ग पे नहीं, म पे चले गए, फिर हम ऐसे ग से प पे चले गए, मतलब स्वरों को हम छोड़ रहे हैं, एक स्वर को छोड़ रहे हैं, फिर 2 स्वर को छोड़ रहे हैं। तो इसको हम सुन लेते हैं हर्ष के माध्यम से। हर्ष गा के बताइए। सा घ रे म घ प म ध प नि ध सा, सा ध नि प ध म, प ग म रे ग सा, सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा, सा ध नि प ध म, प ग म रे ग सा, सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा, सा ध नि प ध म, प ग म रे ग सा। बहुत खूब। अलंकार की एक और कैटेगरी बन सकती है, वो बन सकती है कि हम स्वरों को आगे से आगे जोड़ रहे हैं या स्वरों के पेयर्स बना रहे हैं। जैसे कि अगर 2 स्वर लें सारे, फिर नेक्स्ट बन जाएगा रेगा गमा माप, या फिर सारे ग रेगा म गमा प माप ध, या फिर सारे ग म रेगा माप गमा प ध, 3 स्वर, 4 स्वर। देखो एक ऑर्डर चल रहा है, एक सीक्वेंस चल रहा है ना। तो इसको भी सुन लेते हैं हर्ष से। सा रे ग रे ग म ग म प म प ध, प ध नि ध नि सा, सा नि ध नि ध प ध, प म प म ग, म ग रे ग रे सा, सा रे ग रे ग म ग म प म प ध, प ध नि ध नि सा, सा नि ध नि ध प ध, प म प म ग, म ग रे सा, सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि प ध नि सा, सा नि ध प नि ध प म ध प म ग, प म ग रे म ग रे सा, सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि प ध नि सा, सा नि ध प नि ध प म ध प म ग, प म ग रे म ग रे सा। अब दोस्तों अलंकार की कैटेगरी एक ऐसी बन सकती है जिसमें हम अलंकार को रिवर्स करेंगे, उल्टा गाएंगे। अभी तक हमने गाया सा रे ग म, सा रे रे ग, अब गाएंगे उल्टा, रे सा ग रे म ग प म, या फिर ग रे सा म ग रे प म ग ध प म नि ध प सा नि ध रे सा नि ग रे सा। मैं इतना अच्छा गाता नहीं हूँ, इसलिए हर्ष को लाया हूँ। तो हर्ष
गाके बताइए। रे सा ग रे म घ प म ध प नी ध सा नी रे सा नी सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा रे नी सा रे सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा नी रे सा नी सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा रे नी सा। अब दोस्तों हमने तीन चार अलंकार के कैटेगरीज को श्रेणियों को जान लिया है, लेकिन हम चाहे तो सबको मिक्सअप भी कर सकते हैं या एक ही श्रेणी में जैसे हम स्वरों को रिपीट कर रहे थे तो बहुत सारे स्वर रिपीट कर सकते हैं। दो की जगह तीन, तीन की जगह चार, चार की जगह पांच, है ना। अगर हम दो कैटेगरीज को मिक्स करेंगे, मान लीजिए हम लेते हैं एक कैटेगरी जिसमें हम स्वरों को ना बार बार रिपीट करते हैं, सा सा रे रे, ठीक है, और एक कैटेगरी हम लेंगे जहाँ पे हम स्वरों की बढ़त करते हैं सा रे ग रे ग म, और दोनों को जोड़ देंगे तो एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो है सा सा रे ग सा सा रे ग हा? सा सा रे ग रे रे ग म ग ग म प, ये स्टार्ट करो। सा सा रे ग रे रे ग म ग ग म प म म प ध प प ध नि ध ध नि सा 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 नि ध नि नि ध प ध ध प म प प म ग म म ग रे ग ग रे सा सा रे ग ग रे ग म म ग म प प म प ध ध प ध नि नि ध नि सा 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 नि ध ध नि ध प प ध प म म प म ग ग म ग रे रे ग रे सा सा। अब दोस्तों अगर हम चाहे तो एक ही कैटेगरी के दो अलंकारों को मिक्स कर सकते हैं, जैसे सारे और सारे ग म। सारे सारे ग म रे ग रे ग म प ग म ग म प ध म प म प ध नि प ध प ध नि सा सा नि सा नि ध प नि ध नि ध प म ध प ध प म ग प म प म ग रे म ग म ग रे सा। या फिर सा ग सा रे ग, ओके, रे म रे ग म रे ग म, ओके, आप भी साथ में गा सकते हैं। सा सा रे ग रे म रे ग म ग प ग म प म ध म प ध प नि प ध नि ध सा ध नि सा सा ध सा नि ध नि प नि ध प ध म ध प म प ग प म ग म रे म ग रे ग सा ग रे सा। तो देखा आपने दोस्तों कितने सारे अलंकार, अनगिनत सैकड़ों हजारों लाखों अलंकार बन सकते हैं, इतनी सारी प्रोबेबिलिटी होती है। तो समझ गए ना अलंकार क्या होता है। संगीत केवल मात्र मनोरंजन का जरिया नहीं है, ये तो मानव जीवन की उच्चतम अवस्था में पहुंचने का सरलतम माध्यम है। संगीतमय चिन्मय के साथ जुड़कर आप भी अपने जीवन को संगीतमय, भक्तिमय, आनंदमय और मस्तीमय कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप म्यूजिक सीख सकते हैं और आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, वो भी क्वालिफाइड टीचर्स से। तो फिर देर किस बात की, चाहे बांसुरी सीखनी हो, वायलिन सीखना हो, गिटार सीखना हो, पियानो सीखना हो, तबला सीखना हो, सिंगिंग सीखनी हो, आप ये सब कुछ सीख सकते हैं। तो फिर ज्यादा मत सोचिए, जल्दी से कॉल लगाइए, एडमिशन लीजिए, और हाँ अपने परिवार वालों को और दोस्तों को भी जरूर बताइए। मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, जय हिंद और जय भारत।